जय हिंद, जय भारत। मैं चिराग शर्मा, इस समय हिसार में और यातायात में कहीं ना कहीं एक परिवर्तन देखने को मिला है। हिसार के नए एसपी जोगेंद्र सिंह के आने के बाद कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ बदला ट्रैफिक यातायात नियमों के अंदर। सो फिलहाल हिसार के तलाकी गेट पर खड़ा हूँ, यातायात नियमों का सभी के सभी होमगार्ड भी पालन करवाते हुए समय नजर आ रहे। देख सकते एक नई सुविधा आमजनों के लिए, खास तौर पर यातायात से काफ़ी लोग परेशान थे, लोगों को काफ़ी घंटों घंटों तक जाम का सामना करना पड़ता था, जिसके बाद एसपी साहब ने, सभी के सभी डीएसपी ने और अधिकारियों ने बैठकर एक मीटिंग की, जिसके बाद इनका निर्माण करवाया गया और इनकी भी ड्यूटी लगा दी गई है होमगार्ड के सभी जवानों के साथ। सो फिलहाल पहले उस तरफ दिखा दे एक बार, जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, एक नया कहीं ना कहीं आप लोगों को हिसार के बस स्टैंड के सामने भी बैरिकेड देखने को मिले लगे हुए, और अब यहाँ पर लग चुके हिसार के तलाकी गेट पर। सो फिलहाल अगर यातायात नियमों की बात करूँ, सभी के सभी ऑटोज अगर बात करें, ऑटो चालक सभी के सभी यहाँ से गुजर रहे हैं, उनकी एंट्री यहाँ से बंद कर दी गई है ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। यातायात नियमों का पालन करवाते हुए सभी के सभी होमगार्ड के जवान अपना कार्य इस समय करते हुए दिख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। सो फिलहाल आपको थोड़ा आगे भी लेकर चलकर दिखाऊंगा कि क्या उस तरफ होमगार्ड के जवान कार्य कर रहे हैं या फिर नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा जब वहाँ पर पहुँचेंगे। पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इससे असुविधा भी होगी, पर काफ़ी हद तक सुविधा भी समय दिखती हुई नजर आ रही, क्योंकि ऑटो चालकों को भी कहीं ना कहीं परेशानी नहीं हो पा रही। सवारियां बैठ रही है बखूबी तौर से, वे भी आ जा रही हैं, रुका रुकाई किसी प्रकार से नहीं हो पा रही सड़कों पर, ना ही जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही ठीक सामने इस समय देख पा रहे हैं। होमगार्ड के जवानों की बात करूँ तो इस चौक पर भी कॉर्नर पर देख लें ठीक सामने, एक बार लोग अपना कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको एक बार थोड़ा सा ऊपर की तरफ से भी दिखाने की कोशिश करूँगा, और कहीं ना कहीं अगर बात करूँ जो घर से बगैर हेलमेट के निकलने की सोच रहे टू व्हीलर खासतौर पर, अब बच जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि चालान दड़ादर हिसार शहर के हर नाके हर चौक पर कटेंगे। सो फिलहाल आपको ऊपर से मुआयना करा देता हूँ अच्छी तरह से, पहले तो एक बार देख लें आप ठीक सामने, एक बार अच्छी तरह देख लें पूरे चारों दिशाएँ देख लें हिसार शहर के तलाकी गेट से, जहाँ पर यातायात नियमों का पालन करवाते हुए होमगार्ड के जवान ऑटो चालकों के लिए एसपी साहब ने कहीं ना कहीं सोच विचार कर सभी के सभी डीएसपी साहब वहाँ पर मौजूद थे, एक मीटिंग की गई, जिसके बाद ये बैरिकेड लगाए गए हैं हिसार शहर की सड़कों पर ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो, ऑटो वालों का भी रोजगार चलता रहे, वे भी कमा कर खाते रहें, और आमजनों को भी परेशानियों का सामना ना हो। जिसके बाद अब कहीं ना कहीं सुधार दिख रहा है ट्रैफिक में, अगर बात करूँ काफ़ी हद तक अगर बात करें यातायात नियमों की धज्जियाँ उड़ाने वालों की, तो उन पर अब नकेल कसनी शुरू कर दी गई है। हर चौक पर जहाँ पर पुलिस चौकी बनी हुई है खास तौर पर, वहाँ पर मशीनें उपलब्ध करवा दी गई है चालान काटने वाली। सो फिलहाल घर से निकलने की टू व्हीलर चालक सोच रहे हैं सरकारी नंबर प्लेट लगाएं, हेलमेट का प्रयोग करें, सभी के सभी कागज़ पूरे रखें, अन्यथा आप होंगे चालान के शिकार। सो वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय रखें कि आपका क्या मानना है, क्या प्रशासन ने जो ये पहल चलाई है, एसपी लोकेंद्र सिंह जी ने जो पहल चलाई है उसको आप किस प्रकार देख रहे हैं, पहल सुविधा के नाम पर बढ़िया है या फिर नहीं, कमेंट में अपनी राय रखना ना भूलें। पा रहे हैं इस समय यातायात नियमों का पालन करते हुए लोग भी बखूबी तौर से, और होमगार्ड के जवान भी अपना कार्य करते हुए पालन करवा रहे हैं ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से। सो वीडियो को शेयर कर दें, और अगर बात करूं हिसार के बस स्टैंड से जब आप निकलेंगे अगर, तो आपको हिसार शहर में बैरिकेड हर चौक पर देखने को मिलेंगे। अब बैरिकेडिंग की सुविधा इस समय कर दी है प्रशासन की ओर से, ठीक सामने बैरिकेड देख सकते हैं, ठीक सामने एक बैरिकेड जाल टाइप में बना हुआ है ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से, बीचों बीच लगा दिए गए, जहां पर ऑटो चालकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप इनके अंदर से वाहन गुजारे रोड पर नहीं। सो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति भी कम होगी, जिसके कारण पहले क्या होता था कि कोई ऑटो यहां से आ गया तो कोई यहां से, अब उस चीज़ से निजात मिलती ऑटो चालकों को भी और आमजनों को भी। कमेंट में राय रखना ना भूले कि आपका क्या मानना है, और हिसार शहर के हर चौक पर जहाँ पर पुलिस बूथ बना हुआ है वहाँ पर चालान काटने की मशीन दे दी गई है प्रशासन की ओर से। तो कृपया कर घर से निकलने की सोच रहे हैं तो टू व्हीलर पर खास तौर पर सभी के सभी डॉक्यूमेंट हेलमेट लगाएं और सेफ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि चालान कटना अब अनिवार्य हो चुका है हर चौक पर। ये नहीं कि आप इस चौक से बच जाएंगे तो अगले चौक पर कुछ भी नहीं है, हर चौक पर पुलिस प्रशासन और होमगार्ड के जवान मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से।